अंबाला शहर के सिविल हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ है। बता दें कि न्यू शिवालिक कॉलोनी अंबाला शहर के एक 21 वर्षीय युवक को गंभीर अवस्था में सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर जमकर बवाल काटा और जोरदार हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वही मामले की सूचना मिलने के बाद अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और स्थिति को काबू किया गया। आपको बता दें कि न्यू शिवालिक नगर के 21 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ निगल लिया था, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत की जानकारी मिलने के बाद परिजन आपा खो बैठे और ट्रॉमा सेंटर के बाहर जोरदार बवाल शुरू किया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। ट्रॉमा सेंटर के बाहर हो रहे हंगामे की सूचना मिलने के बाद सिविल हॉस्पिटल को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने हंगामा कर रहे मृतक के परिजनों को समझाया और मामले को शांत किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने युवक को समय रहते न तो इलाज दिया और न ही रेफर किया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। वहीं अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से नकारते हुए बताया कि आज शाम करीब 3 बजे एक युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद उसे हर संभव इलाज दिया गया और उसकी जान बचाने के सभी प्रयास किए गए, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टर ने बताया कि उनके बार बार पूछने के बावजूद भी परिजनों ने जहरीले पदार्थ की जानकारी नहीं दी थी। वहीं अस्पताल में हंगामे की सूचना मिलने के बाद अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और स्थिति को संभाला गया। वहीं 2 अलग-अलग थानों के प्रभारियों ने बताया कि 21 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ खाया था और अब मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अंबाला से अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं मनीष हूँ, मेरा छोटा भाई संदीर था उसका नाम। उसकी तबीयत एकदम से ख़राब हुई, उसने उल्टी करी, मैं साथ के साथ उसको हॉस्पिटल लेके आया। हॉस्पिटल लेके आने के बाद उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, मैं डॉक्टर को बुलाने गया। मैं कहा सर उसको देखो एक बार आके, एक बार गया बुलाने, वो कह रहे मैं आ रहा हूँ। दूसरी बार मैं फिर गया 5 मिनट बाद, कह रहे मैं आ रहा हूँ। मैं कहा सर उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, जल्दी आओ। वो उठ के मेरे को मारने के लिए आया, एकदम से मेरी गर्दन पकड़ ली, मैं बाहर आ गया। इसलिए उसके बाद वो जो कंपाउंडर वगैरह लगे हुए उन्होंने पता नहीं क्या क्या लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद जहर जोर सा निकाला उन्होंने, उसके बाद वो कहने लगे भी इन्होंने जहर खाया, जहर निकाल दिया। उसके बाद वो उठ के बैठा, बातचीत करने लगा। फिर डॉक्टर से मैंने पूछा, मैं कहा सर अब क्या इसका इलाज हो जाएगा ना? कह रहे हाँ इसको यहाँ से रेफ़र करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं कहा रेफ़र लेटर बना दो आप, मैं लेके चला जाता हूँ इसको चंडीगढ़। आधे घंटे बाद मैं पूछने गया तो उन्होंने कह रहे अभी टाइम लगेगा। मैं 1 घंटे बाद फिर गया, मैं कहा सर दे दो लेटर, हम जल्दी चले जाते हैं, लड़के की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कह रहे इसमें टाइम लगता है, ये इतनी जल्दबाजी थोड़ी होती है, मैं अपनी मर्जी से दूंगा जब होएगा। तब करा जा रखा। उसके बाद जाके उसने मेरे को बोला, कह रहा भी वहाँ हीलिंग टच ले जाओ, इसको 50,000 रुपये डेली का लगेगा, ये है वो, बहुत उल्टा सीधा बोलने लग गया। पापा को लेके गया, पापा के साथ बदतमीजी करने लगा। इस उसके बाद मतलब उनकी लापरवाही की वजह से हुआ, जो कुछ भी हुआ नहीं तो हमारा भाई बच जाता है। कितनी उम्र थी इसकी? 21 साल। 21 साल काम करता था क्या? जी भाई, इसका गाड़ियों का काम करता था, कार मैकेनिक का। सर मेरा नाम डॉक्टर संजय एडिसन एसएमओ ट्रॉमा सेंटर अंबाला सिटी है, और अभी 3 बजे एक पेशेंट को, दो पेशेंट के अटेंडेंट लेके आए थे एलर्जी हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग करके, और वो बता नहीं पा रहे थे कि क्या पॉइजनिंग है। और जो पेशेंट था संदीप 21 ईयर मेल, इन्होंने सुधीर लिखवाया हुआ है पर कुछ लोग संदीप भी बोल रहे थे, वो बिल्कुल ही गैस्पिंग कंडीशन में था और बीपी पल्स वाइटल बिल्कुल ही अनरिकॉर्डेबल थे। तो हमने उसको अपने माइनर ऑपरेशन थिएटर में ले लिया और जो भी फर्स्ट एड बनती थी गैस्ट्रिक लवाज करवाई है, ब्लड का सैंपल लिया है और गैस्ट्रिक लवाज 5 लीटर NS से करवाई है। और उसके बाद मैंने उसके साइन सिम्टम देखे, उसके पिपिल बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्टेड थे, स्मेल लेने की कोशिश की तो उस टाइम तक वो नहीं बता पाए थे कि क्या पॉइजनिंग ली होगी, लेकिन मेरे को लगा कि इसको इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग ही है। तो उसका एंटीडोट एट्रोपिन होता है, वो हमने उसको उसके बोलस स्टेज दे दी थी, बिल्कुल इंडक्शन डोज दे दी, तो ड्रिप वगैरह ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ लगवा दिया था और हमने PI करने के लिए उसका गैस्ट्रिक लवा जो ब्लड सैंपल ले लिया था और हम उसको इन द मीन टाइम कर ही रहे थे मॉनिटर। इन द मीन टाइम उसकी डेथ हो गई और रेफ़र करने के लिए इनके अटेंडेंट बोल रहे थे, लेकिन हम उसको रेफ़र नहीं कर सकते थे क्योंकि पेशेंट ऐसी कंडीशन में था ही नहीं कि उसको रेफ़र किया जा सके और बिल्कुल ही गैस्पिंग कंडीशन में था। मैं सोच रहा था कि मैं इसको कम से कम स्टेबल कर दूं, लेकिन पेशेंट मेरे से स्टेबल नहीं हो पाया इन स्पाइट ऑफ एवरी एफर्ट। हमने उसको ग्लूकोज भी दिया है, ऑक्सीजन भी लगाई है, एंटीडोट भी लगाए, हाइड्रोकोट डेक्सा वगैरह,
सब कुछ जो भी मेरे पास फर्स्ट एड थी मैंने वो फटाफट दी है, लेकिन इसके अटेंडेंट इतने एप्रीहेंसिव थे, वो बीच बीच में डिस्टर्ब करे जा रहे थे हमारे को और रेफ़र करने की बात कर रहे थे, लेकिन मैं इसको मैंने रेफ़र ज़रूर बना दिया था जीएमसी 32, लेकिन हम इसको रेफ़र कर ही रहे थे, इन द मीन टाइम ये कोलेप्स हो गया और 3:40 पर जब इनकी सीजी हुई तो ही वाज एक्सपायर्ड। ये जो मुझे पता चला न्यूज़ अलग कॉलोनी अम्बाला सिटी जो एक नंबर चौकी के एरिया में पड़ती है, वहाँ से कोई ये लड़का 20-21 साल का यहाँ पे लाया गया था जिसने पॉइजन ले लिया था, तो दौराने ट्रीटमेंट ज़्यादा पॉइजन खाए होने की वजह से उसकी डेथ हो गई, जिस कारण वो जो उसके घर के थे लड़के के वो अग्रेसिव हो गए डॉक्टर साहब के साथ। हम मुझे भी पता लगा, मैं तुरंत मौके पे आया और देखा कि बाहर हो हल्ला हो रहा है, तो तुरंत उनको हटाया गया। तो इस संबंध में जो भी डॉक्टर साहब जो शिकायत देंगे उस संबंध में जांच करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मिल चुकी है या सर अभी? नहीं, शिकायत अभी नहीं मिली, लेकिन मिल जाएगी शिकायत भी। और जो भी इस संबंध में जो शिकायत देगा दूसरा पक्ष भी अगर देता है तो उसकी भी जांच करके जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। धन्यवाद। एक संधीर नाम का व्यक्ति जो न्यू शिवालिक कॉलोनी का है, तकरीबन 21 साल उम्र है वो लड़का है, तो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके भाई का बयान लिखा है जिसने बताया कि कोई नशीली चीज़ इसने ले ली है जिससे कि इसकी डेथ हुई है और उस पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.